फहमी दरियाज ने बचपन ही में सिंधी और उर्दू अदब से रोशनाई हासिल की। उन्होंने फारसी भी सीखी। पहला शेरी मजमुआ पत्थर की जबान 1967 में मंजरे आम पर आया। बदन दरीदा 1973 में इनकी शादी के बाद इंग्लैंड के जमाने कयाम में छपा। धूप इनका तीसरा मजमुआ कलाम है। क्या तुम पूरा चांद ना देखोगे के नाम से भी इनका शायरी मजमुआ छपा। फहमीदा रियाज कुछ अरसा नेशनल बुक काउंसिल इस्लामाबाद की सरबराह रहीं। 2000 से 2011 तक उर्दू डिक्शनरी बोर्ड की MD भी रहीं। उन्होंने मौलाना रोम की करीबन 50 नज्मों का फारसी से उर्दू तर्जुमा भी किया और इन्हें शम्स तबरेज को इंतसाब किया। इनकी दीगर तसानीफ में हल्का मेरी जंजीर का हम रुकाब अधूरा आदमी अपना जुर्म साबित है मैं मट्टी की मूरत हूँ आदमी की जिंदगी शामिल है। फहमीदा रियाज को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 2010 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। एक मुलाकात और एक तारुफ में जिस शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं उनका नाम है मोहतरमा फहमीदा रियाज साहिबा। उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं ये कहूँगी वो जिस कलम को कलम से और कलम के जरिए जो अपने एहसासात अपने जज्बात उन्होंने आया किए हैं तो उसे पाकिस्तान की ही नहीं पूरे बरसगीर और उर्दू दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत हैं। तो मैं तहे दिल से आपका दिल्ली में आपका इस्तकबाल करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप तशरीफ लाई हैं। तो अपने बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी यहाँ पर आकर हमेशा बहुत ही यानी जज्बात जो हैं उनका एक बस उबाल सा होता है। मैं तो दिल्ली में रह भी चुकी हूँ 7 बरस जी ज़ियाउल्लाह जनरल ज़ियाउल्लाह के जमाने में। क्योंकि मैं एक राइटर हूँ और उस जमाने में मैं एक रिसाला आवाज उसकी मैं एडिटर और पब्लिशर दोनों थी तो मुझ पर कोई 14 मुकदमे ठोक दिए थे जिनमें से एक तो सेडिशन का था यानी कि बगावत और उसकी सजा फांसी होती है या 14 साल कैद। तो मैं अपने मेरे दो बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त और अपने हस्बैंड के साथ मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ मैंने इजाजत हासिल की थी रहने की और फिर वो बस वक्त गुजरता ही चला गया और मैं 7 बरस दिल्ली में रही थी। और इस दौरान मुझे हिंदुस्तान की कई जगह जाने का मौका मिला। हैदराबाद दक्कन भी गई थी मैं वहाँ पे बल्कि हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। देखिए ना जो लोग यहाँ के गए हैं तो मेरे भी वालदेन का ताल्लुक तो यूपी से ही है। ये दूसरी बात है कि वो पाकिस्तान बनने के बाद नहीं गए थे बल्कि उससे बहुत पहले वहां जाकर रहने लगे थे। तो हैदराबाद दूसरा जो है हैदराबाद से हैदराबाद जी कोई ये 37 के उशरे में मेरे वालदेन वहाँ चले गए थे मगर फिर भी मेरी पैदाइश यहाँ की थी और फिर जाहिर है कि घर में वालदा उर्दू ही तो बोलती थी तो वो एक उत्तर प्रदेश का ही एक छोटा सा टुकड़ा था जो वहाँ पर पेवंत था। लेकिन मैं चूंकि रही वहाँ पली बड़ी सब कुछ और फिर हमारी अब तो फिर शादियाँ भी काफी हुई हैं तो मैं तो एक तरह से एक सिंधी भी हूँ। तो आप ऐसे पाकिस्तानी से मिल रही हैं जो एक सिंधी खातून है और वो लिखती उर्दू में है। वहां पर जो एक लिखने वालों का दौर नया आ रहा है और यहाँ पर भी आप आती हैं तो देखती हैं तो उसमें आपको कुछ फर्क नुमाया फर्क नजर आता है? जी हाँ बिल्कुल फर्क तो पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं महसूस करती हूँ कि हिंदुस्तान की जो उर्दू है और पाकिस्तान में जो उर्दू लिखी जा रही है उसमें ही काफी फर्क आ गया है इन 60-65 बरसों में जो कि आना ही था। बहुत सारी मुहावरे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। परिंदों के नाम निकल गए हैं क्योंकि वो परिंदे जो यहाँ के थे वो अब शायद वहां नहीं होते हैं वो दूसरे परिंदे होते हैं। दरख्तों के नाम वो भी निकल गए हैं उर्दू से पाकिस्तानी क्योंकि वो दरख्त जो खास यहाँ के थे अब शायद वहां पर नहीं होते हैं। तो मगर कुछ नई चीजें उसके अंदर आ रही हैं
तो जहाँ तक जबान का ताल्लुक है, तो जबान जो पंजाब में उर्दू में चीज़ें लिखी जा रही हैं और जो कराची में लिखी जा रही हैं सिंध में रहने वालों की, जी देखिए सिंध एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में हिंदुस्तान में तो लोग अब बिल्कुल ही नहीं जानते, जो बड़े अफसोस की बात है क्योंकि ये एक बड़ा शानदार इलाका था जहाँ पर बसे हैं यहाँ से जाने वाले, जी इसकी अपनी तारीख है। मिसाल के तौर पर ये एक ऐसा इलाका है जिसमें अंग्रेज के आने से पहले कभी किसी बाहर के आदमी ने हुक्मरानी नहीं की है, सिंधियों ने अपने ऊपर खुद ही राज किया है। एक जमाने में मुगलों को उन्होंने खिराज जरूर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ के कोई मुगल या और कोई दूसरे जाकर वहां पर राज कर रहे हों। इनकी एक बहुत ही वेल डेवलप्ड जबान है, जिस वक्त उर्दू बन रही थी इन उसकी नोक पलक दुरुस्त हो रही थी ये फोर्ट विलियम कॉलेज में, तकरीबन उसी जमाने में सिंधी की भी इसी तरीके से स्क्रिप्ट को वहां पर जो अंग्रेज थे जो कि इस लिंग्विस्टिक्स के अंदर दिलचस्पी ले रहे थे तो उन्होंने वहां पर भी बनाई थी। और वैसे ये हिंदी से बहुत ज्यादा कदीम जबान है, यानी कि क्योंकि ये इसकी एक तसलसल है इसका तहजीबी, वैसे तो हर जगह ही है लेकिन इसका एक इस तरह का तसलसल है कि इसकी जबान यानी कि इब्ने बतूता के आपको सफरनामे में मिल जाएगी। देखिए हम जैसे लोगों के लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा आइडियल रहा, एक ऐसा मुल्क जहाँ कितने सारे मजहब, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी नस्लें, इतनी जबानें और यानी एक सूफी अपने अपने आप में एक कायनात, एक पूरा कुर्रे अर्ज है हिंदुस्तान कि कौन नहीं यहाँ पर आ गया, हजारों साल पहले से कौन नहीं लोग आकर यहाँ बस गए। ठीक है ना, जैसे कि फिराक गोरखपुरी का इतना प्यारा शेर है कि क्या उनका जहन और क्या दिमाग, ये सरजमीन हिंद पर अकवामे आलम के फिराक काफले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। बेहद मोहब्बत और इज्जत करती हूँ हिंदुस्तान की मैं, मगर इसी मोहब्बत ने मुझसे ये लिखवाया था कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई वो मुंह रखता वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे अरे बधाई बहुत बधाई। अरे प्रेत पुराने नाच रहे हैं कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे अपना चमन ताराज करोगे, तुम भी बैठे करोगे सोचा पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है तुम भी करोगे फतवे जारी, होगा कठिन यहाँ भी जीना ना तो आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी। तो हमने ये कहा था कि नरक में है तो आप लोग वही कुछ करेंगे अगर जो हमने किया तो फिर कहाँ जाएंगे, तो हमने लिखा था कि फिर तुम लोग पहुंच जाओगे बस परलोक पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज्म हमेशा रही है और हम लोग इस बहुत पसंदीदा जिस भी आप फोरम पे आती हैं, मतलब नाराज हुए थे पहले जी तो हमारी नज्मों पे नाराज हो जाते हैं, मैं कुछ कुछ बरस बाद फिर कहते हैं सही कह रही थी।